Assalamualaikum everybody. We are starting foraminiferans and actinopods. ठीक है, actinopods and foraminiferans की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो पीटीबी की बुक है ना, उसमें अलग से गिवन है हेडिंग, राइट? तो ये कोई क्लास नहीं है. हमने अभी फिलहाल जो ग्रुप देखा है प्रोटेस्ट का, किंगडम प्रोटेस्टा का, वो क्या है? प्रोटोजोन्स, जो कि एनिमल लाइक ग्रुप था. ठीक है, और प्रोटोजोन्स को हमने डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया, जिसमें हमने देखा क्लास सीलियोफोरा है, क्लास मेस्टिकोफोरा है, क्लास राइजोपोडा है, क्लास सेक्टोरिया है. ठीक है, अब इन्हीं सब क्लासेस में कोई एक क्लास ऐसी है जहां पर हम फॉर्मिनिफेरेंस को और एक्टिनोपोड्स को प्लेस करते हैं. बट क्योंकि ये आपकी जो पीटीबी है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, उसमें अलग से हेडिंग वाइज गिवन है, तो इसलिए मैं इसे अलग से आपको पढ़ा रही हूँ. ठीक है, अब ये अलग से हम पढ़ रहे हैं, अलग से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसे किस क्लास में प्लेस करना है, और ये मुझे आप लोग बताओगे, राइट? सो अगर हम बात करते हैं फॉरमिनिफेरेंस की, तो ये फॉरम्स से निकला है. ठीक है, दे आर यूजुअली मरीन प्रोटेस्ट्स या मरीन प्रोटोजोन्स, बोथ फॉरमिनिफेरेंस भी एंड एक्टिनोपोड्स भी. ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस टेस्ट्स और वी कैन से शेल्स अराउंड देम. ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं शेल्स या टेस्ट्स अराउंड देम. ठीक, खुद इंडिविजुअल यूनिसेलुलर है. ठीक है, खुद ये इंडिविजुअल शेल के अंदर होता है और इसके आउटसाइड एक शेल प्रेजेंट होता है, या टेस्ट शेल को हम टेस्ट भी कहते हैं, TESTS, टेस्ट, टेस्ट. ठीक है, ये शेल्स प्रोड्यूस करेंगे. फिर ये फॉरमिनिफेरेंस और ये एक्टिनोपोड्स दोनों ही शेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन बोथ. The shells of foraminiferans are made of calcium carbonate, while the shells of actinopods are made of silica. Therefore, foraminiferans gives a chalky or chalk-like appearance, while actinopods gives a glass-like appearance. ठीक है, इनकी appearance glassy है because of silica, और इनकी appearance chalky, pale yellow. पेल येलो या येलोइश वाइट टाइप अपीयरेंस है. ठीक है, तो ये दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? अब दोनों ही प्रोटोजोन्स हैं, यहाँ पर दोनों ही में शेल है. ठीक है, लेकिन देयर शेल्स आर पोरस. ठीक है, इन दोनों के शेल्स कैसे हैं? पोरस हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास सूडोपोडिया है, और ये सूडोपोडिया इन्हीं पोर्स से बाहर और अंदर जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी दैट द शेल इज पोरस. ठीक है, एंड दीज पोर्स आर फॉर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस. ठीक है, ताकि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इन पोर्स से बाहर एक्सटेंड हो सके. एंड हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दीज पॉइंटेड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड फ्रॉम द पोर्स. ठीक है, अच्छा, ये पोर्स कहाँ प्रेजेंट है? शेल में. इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर आ सकती हैं. दी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आर पॉइंटेड एंड स्टिकी. ठीक है, स्टिकी क्यों है ये भी आपको पता है, बिकॉज इन्हें क्या करना है, इन्हें अपने प्रे को अपने साथ जो है वो स्टिक करना है, और उसके बाद इन्हें इनगल्फ करना है बाय फैगोसाइटोसिस. ठीक है, अच्छा, डेड फॉरमिनिफेरेंस प्लस डेड एक्टिनोपोड्स दोनों ही, क्योंकि हमने कहा कि ये मरीन वाटर में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये ओशंस में प्रेजेंट है. ठीक है, तो जब इनकी डेथ होगी, तो ये उस ओशन के बेंथिक रीजन में, यानी कि एट द बॉटम ऑफ द ओशन जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द ओशन जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, और हमने कहा किससे मिलके बना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना है. इट मींस के ये वहां पर लाइम डिपॉजिट्स फॉर्म करेंगे. अंदर का इंडिविजुअल तो मर गया. देखो, ये शेल था, पोरस इन नेचर था, इस शेल के अंदर था ना वो इंडिविजुअल या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब वो ऑर्गेनिज्म तो डेड है. ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म तो डेड है, लेकिन उसका ये एक्सोस्केलेटन तो प्रेजेंट है ना, तो ये एक्सोस्केलेटन सेटल डाउन होगा जाकर पैंथिक रीजन में. ठीक है, और वहां पर डिपॉजिट्स फॉर्म करेगी.
अब देखो ये वाली पिक्चर जो मैंने लिया है ना, ये आपकी पीटीबी की बुक से लिया है, ठीक है। मैंने कहा था ना अलग से एक हेडिंग है, ये अलग से एक हेडिंग गिवन, ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताओ, हमने दोनों के पॉइंट्स डिस्कस किए, दोनों में शेल प्रेजेंट है, शेल पोरस है, सुडोपोडिया राइज होते हैं, पोर से बाहर स्टिकी हैं, पॉइंटेड हैंड और, ठीक है। और दोनों की हमने ये भी देख ली कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ दी टेस्ट ऑफ फॉरमिनिफेरेंस इज कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्टिनोपोड्स शेल इज सिलिका, ठीक है। तो मुझे कौन बताएगा जल्दी से कि ये किस क्लास में जा सकते हैं? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। हम किस में डालेंगे इसको? सार्कोडिना। कौन सी क्लास में क्लासिफाई करेंगे? सार्कोडिना में या फिर राइजोपोडा में? वेरी गुड, ठीक है। तो सार्कोडिना की बात करें हम या फिर राइजोपोडा की बात करें, दोनों एक ही हैं। और इसमें हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि सूडोपोडिया है, और यहाँ पर भी हमारे पास सूडोपोडिया है। रिमेम्बर हमने कहा था इन्हें क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सूडोपोडिया। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया था, उन्हें हमने सार्कोडिना या राइजोपोडा में रखा था, ठीक है, प्लेस किया था, राइट। तो अब क्योंकि आप लोगों ने इसे बुक से खुद तो रीड करना नहीं है, तो हम क्यों ना इस पैराग्राफ को रीड ही कर लें यहाँ पर। अगर हम फॉर्मिनिफेरेंस की बात करते हैं या एक्टिनोपोड्स की बात करते हैं, तो हियर यू कैन सी दैट दीज मरीन प्रोटोजोआंस प्रोड्यूस शेल या टेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। टेस्ट ऑफ फॉर्मिनिफेरेंस आर मेड ऑफ कैल्शियम, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हैं, वेयर एज एक्टिनोपोड्स आर मेड ऑफ सिलिका, ठीक है। देयरफॉर ये ग्लासी अपीयरेंस देगा और ये हमें चौकी अपीयरेंस दे रहा होगा। वे द शेल्स और टेस्ट कंटेन पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। फिर हमने ये बात की थी कि ये स्टिकी भी, अच्छा लिखा ही है, दी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस फॉर्म अ स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट दैट एंटैंगल्स देयर प्रे, द डेड फॉरमिनिफेरेंस सिंक इनटू द बॉटम ऑफ सी वेयर देयर शेल्स फॉर्म अ ग्रे मड, ठीक है। स्टार्टिंग में ग्रे मड सी हमें नजर आएगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू चॉक। द फॉरमिनिफेरेंस ऑफ द पास्ट हैव क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, ठीक है। तो बहुत से फॉरमिनिफेरेंस, अगर हम पहले की बात करें, जाहिर सी बात है वो पहले बेचारे डेथ उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। फिर उन्होंने डिपॉजिट किया, फिर कुछ अर्से के बाद हमें वहाँ पे एक पूरा चौक डिपॉजिट मिला, ठीक है। तो बहुत वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं कहाँ पर? ओशंस में, और ओशंस के बेंथिक रीजन में, ठीक है। और ये इन एक्चुअल किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं? डेड फॉरमिनिफेरेंस की वजह से फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर है। हमने फॉर्मिनिफेरेंस और एक्टिनोपोड्स की बात की है आज।